हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बॉक्स प्लेट्स विद स्टाइल कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसका नाप इस प्रकार है। इसमें हम वेस्ट का नाप लेंगे, लेंथ और जो भी आपका बाकी का मेजरमेंट है वो मैं आपको इसमें नहीं बता रही हूँ। तो वेस्ट हमारी 28 इंच है। उसके लिए हम विड्थ में कपड़ा लेंगे अपनी वेस्ट का 3 गुना ज्यादा, प्लस साइड की सिलाई के लिए जो हमें फैब्रिक चाहिए स्विंग सीम के लिए वो भी ऐड करेंगे। तो 28 इंच हमारी वेस्ट है, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इंच स्विंग सीम के लिए लेंगे, तो टोटल हमें विड्थ में कपड़ा चाहिए 86 इंच। तो ये मेरा 2 लेयर्स में फैब्रिक है। मैं विड्थ में इसको नाप करके आपको बता देती हूँ। ये 44 इंच है, यानी कि 86 का हाफ हमारा 43 इंच होता है, ये 1 इंच एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा होना ठीक है, कम होता है तो हमें आगे जोड़ लगाना पड़ता है। तो लेंथ के अनुसार मैंने फैब्रिक को काट लिया है और साथ में अपनी ऊपर की बोडाइस भी बना ली है। अब सबसे पहले हम इसके जो हमारी विड्थ है उसके सेंटर में एक मार्क देंगे, 44 का सेंटर आ जाएगा 22 इंच। ठीक है, उसके बाद हम यहां से 5.5 इंच का एक मार्क देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैं रॉन्ग साइड में आपको ड्राफ्टिंग करना बता रही हूं। उसके बाद हम इस लाइन पर भी सेंटर का मार्क देंगे, यानी कि 22 इंच, और इस मार्क को हम ऐसे मिला देंगे। ये हमारा वेस्ट का सेंटर पार्ट आ गया है। अब इधर से 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, यानी कि टोटल 3 इंच का मार्क देंगे। ये मैंने सेंटर बना लिया है। अब हम 3 का डबल यानी कि 6 इंच का मार्क इधर देंगे, उसके बाद हम अगेन 3 इंच का मार्क देंगे और उसके बाद हम 6 इंच का फिर से मार्क देंगे, और उसके बाद ये हमारा 5 इंच के लगभग बच गया है। तो इसका हाफ हमारा इधर चला जाएगा और यहाँ पर हमारा लगभग 2 इंच के करीब कपड़ा बचेगा, जिसमें मैं साइड में जिप लगाऊंगी। तो स्विंग सीम के अलावा हमने ये 2 इंच कपड़ा ले लिया है। इसी प्रकार हम इससे इधर भी मार्क देंगे, यानी कि ये 3 इंच का मार्क आ गया, उसके बाद हम यहाँ से 6 इंच का मार्क लगाएंगे, अगेन 3 इंच, फिर 6, और ये आगे हमारा वही 5 इंच कपड़ा बच जाता है। अब हम इन मार्क्स को यहाँ पर इस लाइन पे भी ड्रॉ करेंगे, यानी कि यहां से हम ऐसे 3 इंच का मार्क देते हैं, उसके बाद हम 6 लेंगे, फिर 3, फिर अगेन 6, और इसी प्रकार इधर 6, 3, 6। अब हमने जो ये 6 लिया है इसका एक सेंटर लेना है, यानी कि 3 इंच। अब इससे 1/2 इंच इधर कम और 1/2 इंच इधर कम एक मार्क देना है, और इसको हमने ऐसे मिला देना है, यानी कि ऊपर से जो हमारा प्लेट है वो 6 इंच रहेगा और नीचे से प्लेट
5 इंच आएगा, क्योंकि ये हमारा कमर के साथ अटैच होगा और ये वाला जो हिस्सा है हमारा पेट के ऊपर आएगा, तो पेट हमारा थोड़ा सा हेल्दी होता है, तो यहाँ से हमारा कपड़ा जो है हमें ज़्यादा चाहिए, तो ये थोड़ा सा ऐसे फैल जाएगा कपड़ा, तो हमारी जो प्लेट्स हैं वो बहुत अच्छी आएंगी। इसी प्रकार इसको भी हम 6 का सेंटर 3 और यहाँ से हम हाफ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए, ये नीचे 5 इंच लेते हुए ऐसे इसको इससे मिला देंगे और इधर इसको इससे मिला देंगे। अगेन ये हमारा 6 है, इसका हाफ 3 और यहाँ से फिर वही हाफ इंच मार्जिन दोनों साइड लेते हुए 5 ला के इसको हम ऐसे थोड़ा सा स्लांट मैनर में मिलता है, ये ऊपर से ये कम होता है और नीचे से ये हिस्सा हमारा ज्यादा हो जाएगा। अब हम सेम यही पैटर्न अपने दूसरे फैब्रिक पर लगाएंगे, यानी कि बैक वाले फैब्रिक पर सेम इसी पैटर्न को छापेंगे और उसके बाद हम ये जो हमारा 6 इंच का मार्जिन है इसको ऐसे ले करके यहाँ से ऐसे दोनों पॉइंट्स को मिला करके और नीचे जो ये 5 इंच मार्जिन है इनको मिलाकर ऐसे सिंपल स्टिचिंग करेंगे। सेम ड्राफ्टिंग को हम राइट साइड वाले फैब्रिक पे लेके आएंगे, तो ये हमारा राइट साइड वाला फैब्रिक है। अब हम ये सेंटर को ऐसे मैच करते हुए इन दोनों निशानों को मैच करेंगे और यहां से यहां सिंपल इसकी स्टिच लगाएंगे इस प्रकार से। यहां से हम इसको पक्का करने के लिए ये बैक इसको दबाएंगे और ये हमारा वापस चला जाएगा। इस प्रकार हम ये सारी स्टिचिंग कर लेंगे, ये हमारा प्लेट इस प्रकार से ऐसे सिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट ये 6 इंच वाला जो हमारा मार्क है इसको मैच करेंगे और इसमें भी यहाँ से यहाँ स्टिच देंगे। इस प्रकार मैं ये सारे स्टिच लगाने के बाद नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। इस प्रकार ये सब स्टिचिंग करने के बाद अब हम ऐसे फैब्रिक को लेंगे और यहाँ एक मार्क देंगे, ये हमारा हर प्लेट का सेंटर मार्क हो जाएगा। सब प्लेटों में इस प्रकार मार्क देने के बाद हम इसको ऐसे फैलाएंगे और इसको जो ये हमारी स्टिचिंग है इसके साथ ऐसे मैच करेंगे, तो ये हाफ प्लेट एक तरफ फैल जाएगा और हाफ दूसरी साइड फैल जाएगा। अब हमारा ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से हम अपने इसका सेंटर निकाल लेंगे और इसको हम प्लेट इसके साथ सिलते हुए यहाँ रख करके ऐसे और ऐसे स्टिच दे देंगे, तो ये पीछे हमारा सिलाई का मार्जिन भी रह जाएगा और ये एक दोनों मतलब एक बैक साइड में और एक ये फ्रंट साइड में हमारा इस प्रकार ये प्लेट बन जाएगा, तो ये भी एक बॉक्स प्लेट की तरह हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अब इसकी स्टिचिंग लगाती हूँ। अगले प्लेट को भी हम इसी प्रकार मैच करेंगे और सिंपल स्ट्रेट स्टिचिंग लगाएंगे।
इस साइड भी हम इस प्रकार छोटा सा एक प्लेट डाल लेंगे। इस प्रकार राइट साइड से हमारे ये प्लेट इस प्रकार दिखाई देंगे और बैक साइड से ये सिलाइयां हमारी इस प्रकार दिखाई देंगी। अब हम इसको मेजर करेंगे जो हमारे कमर के बराबर आ जाना चाहिए। तो यहां से यहां हम मेजर कर रहे हैं सीम सीम छोड़ते हुए, तो ये 14 इंच तैयार आ जाता है। 28 हमारी कमर है, उसका हाफ 14 इंच। अब मैं इसको चोली के साथ राइट टू राइट मैच करते हुए सिलूंगी। ये मेरी चोली का राइट है और ये मेरे प्लेट्स का भी राइट पार्ट है। तो मैं इसको ऐसे सेंटर से सेंटर, इसका भी सेंटर बना करके ऐसे मैच करके इसके साथ मैं सिंपल स्टिच करता हूँ। और इसी प्रकार मैं बैक को भी बैक पार्ट के साथ सिल दूंगी। उसके बाद मैं इसकी साइड में एक जिप लगाऊंगी ताकि पहनने में इस ड्रेस को आसानी हो, और उसके बाद बॉटम से फोल्ड करके मैं इसको तैयार कर लूंगी। बॉक्स प्लेट डालने के बाद मैंने इसको चोली के साथ जोड़ दिया और नीचे से फोल्ड कर दिया। तो ये हो गई मेरी बॉक्स प्लेट ड्रेस कंप्लीट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।